हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके? गाइस मैं बहुत बढ़िया हूँ, आई होप कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। आज का व्लॉग जो होने वाला है वो आपने टाइटल में देख ही लिया होगा क्या हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं अपनी वीडियो की एडिटिंग कराने के लिए, फिर हम जाएंगे गाड़ी लेने के लिए। तो जौन सी गाड़ी आज हम लेने वाले हैं वो आपको आगे वीडियो में देखना होगा कि हमने कौन सी गाड़ी ली है। और गाइस अब हम चलते हैं अपने दोस्तों के पास, सबसे पहले वीडियो एडिटिंग के लिए दे देते हैं, फिर वहाँ से निकलेंगे, फिर फैमिली के साथ जाऊँगा मैं गाड़ी लेने के लिए। तो अभी चलते हैं, चलिए लेट्स गो। गाइस अब चलते हैं अपने दोस्तों के पास, सबसे पहले वीडियो एडिटिंग के लिए दे देते हैं, फिर चलेंगे गाड़ी लेने के लिए। तो आगे तक आपको देखना होगा व्लॉग में कि हमने कौन सी गाड़ी ली है। तो गाइस फाइनली हम आ गए शोरूम के बाहर, मैं आपको शोरूम दिखा देता हूँ। तो अभी पापा जी और भैया अंदर जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, एक मिनट रुकिए। वो जा रहे फादर साहब और ये आ गए हम शोरूम के बाहर। तो अब चलते हैं अंदर। तो गाइस अब हमारी गाड़ी आ चुकी है, अब हम दो गाड़ी में से एक गाड़ी सेलेक्ट कर रहे हैं फिलहाल। इसमें क्या क्या फीचर है भाई, इधर से बताओ आप। सो गाइस ये है हमारी न्यू कार, जो हमने पहले स्कॉर्पियो ली थी उसका तो आपको पता ही है। तो ये भाई बताएंगे। हाँ भाई, ये बोलेरो B6 ऑप्शन है और इसमें जो ये टॉप मॉडल है बोलेरो का। हाँ जी, ये टॉप मॉडल है, इसमें आपको केनवुड का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। ओके, इसमें ब्लूटूथ भी है। ओके, और फोन वगैरह सब कनेक्ट हो जाता है, दो ब्लूटूथ डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं इसमें एक साथ। हाँ जी, जैसे आप देख सकते हो ब्लूटूथ 1 ब्लूटूथ 2। सो गाइस ये इसमें दो ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं हम, ये मैंने वैसे फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा सिस्टम। पहले वाली बोलेरो में धंधा है हमारी, पहले वाली मैंने था, ये इसी में आया है। इसमें आप दो एक साथ डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है। उसके बाद आपका यूएसबी पोर्ट है यहाँ पे। ओके, आप ऑक्स लगाना चाहे ऑक्स लगा सकते हो, और बहुत ही प्यारी साउंड है। म्यूजिक सिस्टम अच्छा है इसका जी, बहुत बढ़िया म्यूजिक सिस्टम है। ओके, 1200 वाट के इसके स्पीकर्स आते हैं, 1200 वाट के। हाँ जी, सराउंड साउंड के साथ आते हैं, दो ट्विटर के साथ। इधर लगे होंगे कहाँ पर? हाँ जी, उसमें भी होते हैं, उसके बाद बाकी पीछे डोर्स में है। ओके, और ये लेदर का सीट कवर इसके साथ है फिलहाल। अगर हमें ये सीट कवर चेंज कराना हुआ तो? हाँ जी, ये चेंज हो सकते हैं, ये भी फिलहाल यहाँ पे एसेसरीज में ऐड ऑन हुए हैं। ये टॉप मॉडल में ही है बस। हाँ जी। ओके, ये आप चेंज कराना चाहो चेंज करा सकते हो, वरना इसके साथ अलग से भी आते हैं। ओके, जो हम एक्स्ट्रा लगवा सकते हैं। हाँ जी। ओके, बाकी एसेसरीज में ऐड ऑन हो जाता है, आपकी मैटिंग ऐड हो जाती है। मैटिंग इसमें हो गई है? नहीं, ये डाल दो रखिए। हाँ, ये डिलीवरी है फिलहाल, इसमें मैट हो गया ना, मैट का काम, मैट का काम इसमें हो गया। अब इसमें काम हमारा रह रहा है, एक तो ये कवर चेंज करवाने, सीट कवर जी, और क्या करना होगा, आप पीछे लाइट लगवानी स्कॉर्पियो वाली, और इसमें आपको ये परफ्यूम मिल जाएगा। सो गाइस फाइनली ये हमारी कार है, और अब हमें इसमें एक दो काम रह गया है, बाकी ये कम्प्लीट हो चुकी है। जैसे कि हमें पीछे स्कॉर्पियो वाली लाइट लगवानी है इसमें, और अंदर सीट कवर चेंज कराने, जो भी ब्राउन है हम मतलब इसमें ब्लैक कलर के सीट कवर डलवाएंगे। तो आप देख सकते हो ये बोलेरो का टॉप मॉडल है, इसका साउंड सिस्टम बहुत प्यारा है भैया बता रहे हैं। और गाइस ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्मूथ चल रही है। पूरा है वो काफ़ी मतलब ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से हमें दूसरी लेनी पड़ी है, क्योंकि टायर वायर उसकी वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी गाड़ी। तो हमने अब एक नई बोलेरो ले ली है, ये बहुत अच्छी प्यारी गाड़ी है। तो हम इसको कम्प्लीट करा लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कम्प्लीट होने पर इसका प्यारा सा लुक जो कम्प्लीट होकर लगेगा। तो गाइस ये बहुत प्यारी कार है, एवरेज के लिए भी, बजट के अकॉर्डिंग भी, और वैसे भी लुक वाइज भी बहुत प्यारी लगती है। तो इसका फाइनल आउटपुट आपको बाद में दिखाते हैं। तो अब चलते हैं भैया के साथ, इसको कंप्लीट करा लेते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे। तो गाइस अब हमारी गाड़ी में काम हो रहा है, लास्ट में जब गाड़ी को लेकर चलते हैं तो प्रिपेयर होती है। अभी हमने इसमें 4-5 काम एक्स्ट्रा कराए हैं, जो कि अच्छी लगती है उसे कराने के बाद में। अगर आप बोलेरो लगाओ तो आप भी करा सकते हो, पीछे की लाइट, सीट कवर वगैरह। तो अभी हम देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी गाड़ी में क्या क्या काम हो चुका है, और हम कितने टाइम बाद इसको गाड़ी को लेकर चलने वाले हैं। तो गाइस गाड़ी का लुक जो है, आउटपुट फाइनली बहुत प्यारा लग रहा है। पहले मुझे लगा था कि वाइट कलर ना लें, मगर बोलेरो में वाइट कलर ही अच्छा लगता है, और जो बोलेरो है हमारी बहुत प्यारी लग रही है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसमें काम चल रहा है। तो चलिए मेरे साथ देखिए। फाइनली हमारी गाड़ी होने वाली है रेडी, फिर हम चलेंगे इसको लेकर घर। बस इसका लास्ट काम चल रहा है फिलहाल, लाइटें वाइटें सब लग चुके हैं।
चलिए गाइस दिखाता हूँ मैं आपको बाद में। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, हम इसको लेके जाने वाले हैं एजेंसी से बाहर। बट पहले इसमें हम लगाएंगे कुछ सामान, तो कल खड़ी करते हैं यहाँ पर ऐसे बैग लगाकर। तो फाइनली रेडी हो चुकी है, बस अब पापा जी और भैया आने वाले हैं अंदर से, भैया तो अभी बाहर ही है। बाकी अब कंप्लीट हो चुकी है हमारी गाड़ी और अब हम इसको लेके जाएंगे थोड़ी देर में। गाइस हम पहले ये वाली कार लेने वाले थे बोलेरो, बट इसमें क्या है कि इसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही थी तो हमें थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाया, तो दैट्स वाई हमने ये वाली अब रेडी कराई है। ये हमारी कार रेडी हो चुकी है फाइनली, अब हम इसको लेकर जाने वाले हैं। तो ये भाई इसमें कुछ काम रह गया है, वो भाई वो काम कर रहे हैं इधर की साइड भी या दूसरी तरफ भी। तो गाइस अब चलते हैं जल्दी से पापा जी के पास और देखते हैं वो कहां पर हैं। हमारी गाड़ी फाइनली रेडी हो चुकी है, इस हिसाब से हमारी कार रेडी हो चुकी है। पहले हम ये वाली लेने वाले थे बट इसमें हमें नॉइज़ जो आवाज़ थी वो अच्छी नहीं लगी, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तब तो हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है। और ये रहा महिंद्रा का शोरूम, अब हम चलते हैं अपनी गाड़ी को लेकर। अभी मैं देखता हूँ पापा जी कहाँ पर हैं, जा रहा हूँ अब मैं जा रहा हूँ पापा जी के पास। तो फाइनली हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है, हम इसको लेकर चलेंगे घर। और गाइस आप ज़रूर बताना कि आपको हमारी कार कैसी लगी। यहाँ पर पेपर वर्क हो रहा है। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी निकल चुकी है यहाँ से और ये हमने यहाँ से ली है, अब चलते हैं हम घर। तो चलिए अब इसमें हम पहले डीजल डलवाएंगे, अब चलते हैं हम बाहर यहाँ से। ये खड़ी हमारी छोटी वाली कार और ये आ गई हमारी ब्लरो और यहाँ से होगा गेट पास, पहले वो गेट पास देना पड़ेगा फिर ये गाड़ी देंगे बाहर निकलने के लिए। और ये हमने लिया यहाँ से महिंद्रा माइटी महिंद्रा बहादराबाद। सो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं रोड पर और सामने जा रही है हमारी ब्लरो। तो गाइस अब हम जाएंगे कुछ खाने के लिए पहले, सबसे पहले क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, हमने कुछ खाया नहीं है, 2-4-5 घंटे हो गए हैं और देखते हैं अब क्या खाने को मिलता है। सबसे पहले तो हमें इसमें डीजल डलवाना पड़ेगा क्योंकि एजेंसी वाले डीजल नहीं देते हैं इतना कि हम इसे घर तक लेकर जा सकते हैं, तो डैट्स वाई हमको इसमें सबसे पहले डीजल डलवाना पड़ेगा। सबसे पहले तो पेट्रोल पम्प देखना पड़ेगा पेट्रोल पम्प कहाँ पर है, फिर हम डीजल डलवाएंगे। और अब मैं इस गाड़ी में अकेला हूँ, जो पापा जी और भैया और जो वो अंकल थे वो उस वाली कार में है, उन्होंने बोला छोटा आदमी छोटी गाड़ी में आओ चलो। मैं कहा ठीक है पापा जी, फिर हम क्या ही कर सकते हैं बताओ, कुछ नहीं कर सकते ना पापा जी के सामने, तो चलो कोई बात नहीं आएगी तो कल मेरे पास ही। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं तेल डलवाने के लिए और गाड़ी को ये लगा रहे हैं साइड पर क्योंकि इसकी जो पेट्रोल की टंकी है वो ड्राइवर सीट की तरफ होती है, तो अभी डलवा रहे हैं इसमें डीजल। आपको दिखाता हूँ, अरे फुल करके बोल दिया ना, धोखे से फुल हो गया। तो गाइस अभी हम डलवा रहे हैं डीजल और डीजल डलाने वाले फिर हम जाएंगे कुछ खाने के लिए। तो अभी ये हो चुका है 10 लीटर 11 लीटर। और तो गाइस फाइनली अब हम घर आ चुके हैं और मैंने डिनर कर लिया है, अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझे नींद आ रही है। आई होप कि आप सभी को ये हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। और गाइस ये YouTube की मनी से हमारे जो खुद के पैसे थे उनसे हमने गाड़ी ली है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें कि ये YouTube के पैसे से है या ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने अपने खुद के पैसे की गाड़ी ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, लव यू।